गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बस में लगभग 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 6 यात्रियों की मौत हो गई। 27 घायलों को रेस्क्यू कर लिया गया है, वहीं एक व्यक्ति की तलाश जारी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया। गुजरात के तीर्थ यात्रियों से भरी ये बस उत्तरकाशी की ओर आ रही थी। गंगनानी के पास पहुंचते ही ये अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस भीषण हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 27 लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, गंगोत्री से उत्तरकाशी जा रही बस के गंगनानी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। 4 बजे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली कि एक बस है जो कि गंगनानी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये सूचना के तत्काल मिलते ही जो है गंगनानी चौकी थाना मनेरी की फोर्स और एसडीआरएफ भटवाड़ी जो है मौके पर पहुंचे और तत्काल ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चालू किया गया। ये अभी तक की मिली सूचना के अनुसार ये जो बस है ये उत्तराखंड नंबर की बस है UK07PA8585 और यात्री जो है गुजरात के बताए जा रहे हैं। इसमें 35 लोग सवार अभी तक की सूचना जो मिली है इसमें ये पता चला है कि ये लोग जो 35 लोग सवार थे इस बस में जिसमें से 6 की डेड बॉडी जो है रिकवर कर ली गई है। एक घायल जो है वो बस में फंसा हुआ है, उसका रेस्क्यू जारी है। एक मिसिंग है और 27 जो है उनको जो है उत्तरकाशी भेज दिया गया है, वो सभी लोग सुरक्षित हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।